अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है अनवार यूब राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाथी नजरात, आज मैं आप सबको एक ऐसे सफ़र पे लिए जा रहा हूँ कि जिस पे जाने की ख्वाहिश हर मुसलमान की होती है, लेकिन जाते वही हैं जिनका बुलावा आता है या जिनकी हाजिरी की मंजूरी हो जाती है। हम आपको लिए जाएंगे मक्का मदीना के सफ़र पे। जैसा कि आज कल हर शख्स कोशिश करता है कि वो मक्का मदीना का सफ़र करे और वहाँ अपनी हाजिरी दिखाए, लेकिन हमारे सफ़र की यूनिक बात यह है कि लॉकडाउन से पहले, मार्च 2020 के लॉकडाउन से पहले का ये आखिरी उम्रा था जिस पे हमने सफ़र किया बरतानिया से सऊदी अरेबिया का। और इस सफ़र के दौरान हमने जो कुछ देखा वो आपको भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक बार फिर इतनी मुद्दत गुजरने के बाद उस सफ़र के एहसासात को उसी अंदाज से पेश किया जाए जैसा कि हमने इसे महसूस किया। गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आप इस सफ़र को देखें तो ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को मौका दे कि वो इस खूबसूरत धरती को देखे और इस खूबसूरत धरती से उठने वाले पैगाम को महसूस कर सके। तो चलते हैं सबसे पहले मक्कातुल मुकर्रमा। हमारे सफ़र का आगाज़ बरतानिया के शहर बर्मिंघम से हुआ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जाने वाले तमाम अहबाब यहाँ मौजूद हैं और इस बार हमारा ये दूसरा सफ़र था। इस बार हमने फैसला किया कि क्यों ना इस सफ़र को किसी की रहनुमाई में किया जाए ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस सारे सफ़र में गाइड करने वाले जनाब शाहिदुल्लाह साहब थे और साथ उनके उमैर साहब थे। हमने अपने सफ़र का आगाज़ एक कोच पे बर्मिंघम से हीथ्रो लंदन तक किया, फिर वहाँ से हमारी अगली मंजिल जर्मनी और फिर जर्मनी से सऊदी अरेबिया थी। इस तमाम सफ़र के दौरान हमने बहुत दुआएं की और इंतज़ार था कि कब हम मक्का पहुँचें। जद्दा से मक्का का सफ़र इस कदर तवील नहीं है, लेकिन जब आप अल्लाह के घर का दीदार करना चाहते हो तो एक एक लम्हा आप पे भारी होता है। हमने ये सफ़र भी एक कोच में किया और इस सफ़र के दौरान तमाम रास्ते कहते गए कि हाजिर हैं ऐ मेरे रब, हम हाजिर हैं, तेरे हजूर हाजिर हैं, तेरे दर पे आने के लिए हाजिर हैं। मक्का में हमारा क़याम स्विस होटल में था जो कि क्लॉक टावर में मौजूद है। ये एक बहुत आलीशान होटल है और यहाँ से हरम शरीफ तक जाने में आपको कुछ मिनट का वक्त लगता है। यहाँ रहने का मकसद ये था कि हरम के बहुत पास रहा जा सके और जितना मुमकिन हो सके वक्त हरम शरीफ में गुजारा जाए।
मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, बेशक तारीफ़ और नियामतें तेरी हैं और बादशाही भी तेरी है। तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। हर एक कदम पे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। अब वो वक्त दूर नहीं था जब हमने अल्लाह के घर का दीदार करना था, वो घर के जिसके दीदार के वक्त जब हाथ उठा के दुआएं मांगी जाएं तो कबूल होती हैं। हमारी क्या कैफियत थी, कैसे बताएं आपको। पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई। एहसास के पर्दे तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह। सर अपना सौदा भूल गया, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोता था। इज़हारे अकीदत की तुमने, इज़हारे तमन्ना भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। पहुँचा जो हरम की चौखट तक, एक अपरे करम ने घेर लिया। बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया। हर वक्त बरसती है रहमत, काबे में जमील अल्लाह अल्लाह। खाती हूँ मैं कितना भूल गया, आसी हूँ मैं कितना भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई। एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई। सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोता था। इज़हारे अकीदत की तुमने, इज़हारे तमन्ना भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। पहुँचा जो हरम की चौखट तक, एक अपरे करम ने घेर लिया। बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या
क्या भूल गया। हर वक्त बरसती है रहमत, काबे में जमीन अल्लाह अल्लाह। खाती हूँ मैं कितना भूल गया, औसी हूँ मैं कितना भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया।